दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैमरे को अपडेट किया आपने, जैसा कि मैंने थंबनेल पे डाला है, क्या कैमरे को अपडेट किया? जी हाँ दोस्तों, कैमरे को भी अपडेट किया जाता है, बट उस अपडेट को अपडेट की जगह फर्मवेयर अपडेट कहते हैं। अब फर्मवेयर अपडेट क्यों करना है? कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है उसके सारे जांच वगैरह करती है, बहुत सारे उस पर जांच वगैरह करती है, उसको रिलीज किया जाता है, जो मार्केट में आता है, तो मार्केट में जब पब्लिक अपने हिसाब से यूज करती है, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कमियां आ जाती हैं, तो उसको फर्मवेयर अपडेट के जरिए उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। कंप्यूटर वगैरह या उसमें तो मोबाइल वगैरह में सॉफ्टवेयर के जरिए अपडेट हो जाता है, पर कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें कि आप फर्मवेयर के जरिए उसको अपडेट करते हैं, उन्हीं में से एक है कैमरे को अपडेट करना। कैमरे को अपडेट कैसे करना? दोस्तों, निकॉन P1000 कैमरा मेरे पास है, इसके पहले भी एक फर्मवेयर अपडेट की वीडियो मैंने डाली थी, यहाँ आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसको आप देख लेना। तो दोस्तों, इस समय का जो अपडेट फर्मवेयर आया है निकॉन P1000 कैमरे में, वो किस लिए आया है वो मैं आपको बता दूं कि निकॉन P1000 कैमरे में दोस्तों जो इसकी बैटरी चार्जिंग होती है, ठीक है, जो लाइट ब्लिंक करती है, बैटरी चार्ज होने के बाद वो लाइट ब्लिंक करना वो बताता नहीं कि बैटरी चार्ज हुई है या नहीं। शायद इस वजह से कंपनी को लगा होगा कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो इस वजह से इस फर्मवेयर को अपडेट किया जाता है। ये फर्मवेयर इस वजह से अपडेट किया जा रहा है, इसमें बैटरी के इश्यूज हैं, चार्जिंग के इश्यूज हैं, इसलिए इसको फर्मवेयर के जरिए दूर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला आपको जो भी कैमरा है उसके आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे जाना है। मेरे पास निकॉन P1000 है तो मैं P1000 की वेबसाइट पे जाऊंगा। निकॉन की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे, नीचे डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फर्मवेयर, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक दूसरी विंडो खुल जाएगी, फिर आप अपने प्रोडक्ट जो भी है आपके पास उस कैमरे को चूज़ करेंगे। चलिए आपको डाउनलोड सेंटर में सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से पहला आप यहाँ देखें स्टेप वन में चूज़ योर कैटेगरी, आपके पास जो भी है DSLR है, डिजिटल है, मिररलेस है, जो भी कैमरा है कैमरे को चूज़ करेंगे। चलिए मेरे पास डिजिटल कैमरा है, ठीक है, मैंने उसको चूज़ कर लिया। और यहाँ पे फिर सेकंड स्टेप में आएंगे तो यहाँ पर आपको चूज़ सब कैटेगरी की कैटेगरी उसको चूज़ करेंगे। फिर यहाँ जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको चूज़ कर ले, मेरे पास P1000 है तो मैंने उसको चूज़ कर लिया। तो यहाँ आपको तीन चीज़ दिख रही है, ठीक है, मैनुअल, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर। तो हमें फर्मवेयर को अपडेट करना है तो सॉफ्टवेयर की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट जो देखिए यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट आया है, जो लास्ट अपडेट है यहाँ पे आपको दे रहा होगा 1.2 का, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, और इसको रिलीज़ किया गया था 17/9/2019 को। लोड पेज पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं फटाफट इसको आपको दिखा देता हूँ पूरा प्रोसेस। और यहाँ पर आप जो भी मशीन यूज़ कर रहे हैं उस पर आप इसको यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं विंडोज़ पे कर रहा हूँ तो विंडोज़ पे नीचे जाऊँगा, यहाँ नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक्सेप्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा, एक्सेप्ट करने में डाउनलोड पे। चलिए ये डाउनलोड हो जाता है, मैं फटाफट डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फटाफट से अपने इसका जो भी मेमोरी कार्ड आपके पास है, ठीक है, मेमोरी कार्ड निकालने के बाद इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद आपके पास सिस्टम में डाल के इसको डाउनलोड जो हो गया है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। जहाँ भी उसको डाउनलोड किया है फर्मवेयर को, वहाँ पे जाएंगे। तो जाने के बाद यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद USB फ्लैश ड्राइव में आप इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अगर आप एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, यहीं से आप इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दीजिए मेमोरी कार्ड में ही। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद तो ये देखिए, ये हमारी जो फाइल है, यहाँ पे हमारी फाइल जो कि एक्सट्रैक्ट हो गई है, इस वाली फाइल को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। इस वाली फाइल को यहाँ से डिलीट कर देंगे और ये फाइल हमारी डिलीट हो गई। और यहाँ पर जो हमने डाउनलोड किया है इसको डबल क्लिक करेंगे, यहीं से इसको अब हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद बैक आएंगे और यहीं पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और ऊपर वाली फाइल को यहाँ डिलीट कर देंगे। तो जो कि फर्मवेयर अपडेट है ये इसमें मेमोरी में आ गया है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं, मेमोरी को निकाल देते हैं और यहाँ कैमरे में लगा देते हैं। कैमरे में इंसर्ट करने के बाद कैमरा यहाँ ऑन करेंगे। कैमरा ऑन करने के बाद यहाँ पर से आप जाएंगे मेनू सेक्शन में। मेनू में आने के बाद यहाँ पर आप नीचे सेटअप पे जाएंगे और यहाँ फर्मवेयर के उस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक करा, यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आप न्यू फर्मवेयर अपडेट करना चाहते हैं, तो हम इसको यस करेंगे। कुछ सेकंड लगेगा, कुछ सेकंड में अपने आप ये अपडेट हो जाएगा और इस दौरान आप कैमरे को ऑफ नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो फर्मवेयर है अपडेट हो गया है। आज ये हमको बोल रहा है कि टर्न कैमरा ऑफ टू कम्प्लीट अपडेट, हमने यहाँ से कैमरे को ऑफ कर देना है। करने के बाद यहाँ से फिर हम इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले फर्मवेयर को देख लेते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये अपडेट हो गया है। दोस्तों, इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।